दोस्तों आप भी अगर अपने ज़िले अपने एरिए अपने मोहल्ले के किसी लोगों के पास पड़ोसियों की पेंशन लिस्ट निकालना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि उनकी पेंशन आ रही है कि नहीं, तो आप पेंशन चेक कर सकते हैं, पेंशन लिस्ट निकाल सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप पेंशन लिस्ट कैसे निकालें। तो एक गाइस मैं हूँ आदिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल, आपका टेक्निकल आदिल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइस आप अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए पेंशन लिस्ट। गाइस जैसे ही आप पेंशन लिस्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आएंगे। अब गाइस आप नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको एक वेब दिखेगी जिस पर लिखा होगा वेलकम टू इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही गाइस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई वेब पर पहुँच जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है पहले और दूसरा स्कीम चूज़ करनी है। तो चलिए पहले आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए। तो आपकी स्टेट कौन सी है, जैसे मेरी है उत्तर प्रदेश। और गाइस यहाँ पर ऑल स्कीम पर फिर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये सारी पेंशनों के नाम है, जैसे पहली है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड, मतलब जो बूढ़े लोगों के लिए है, और तीसरी हमें बूढ़े लोगों की वृद्धा पेंशन देखनी है तो पहले पर आप क्लिक कर दीजिए ओल्ड के लिए। और यहाँ नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इस पर सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सर्चिंग चलने लगेगी और आप नई पेज पर पहुँच जाएंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए टोटल इनके बारे में लिख आ गया है कि मेल को कितनी आ रही, फीमेल को कितनी आ रही, टोटल इतने लोगों को आ रही है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिख कर आ गई है। अब गाइस यहाँ पर शहरों के नाम, डिस्ट्रिक्ट ज़िलों के नाम दिए गए हैं यूपी में, जो भी ज़िला आपका हो वो चूज़ कर लिए। जैसे मेरा ज़िला है इटावा तो मैं इटावा चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही गाइस आप अपने ज़िले पर चूज़ करेंगे तो आप फिर से एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। तो आप फिर से नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ से आप अपना ज़िला चूज़ कर लीजिए कि आपका ज़िला कौन सा है। गाइस ऊपर गांव के नाम दिए गए हैं और नीचे शहरी नाम, जो भी आपका ज़िला हो वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं इटावा में ही रहता हूँ तो इटावा फिर से चूज़ कर लेता हूँ। अब गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से नए पेज पर पहुँच जाएंगे। अब गाइस आपके सामने देखिए लोगों के आपके मतलब ब्लॉक आ गए हैं, यानी एरिया आ गया है। अब आपका जो भी एरिया हो वो चूज़ कर लीजिए। जैसे देखिए मेरा एरिया है नौरंगाबाद, तो मैं अपना नौरंगाबाद चूज़ करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये नौरंगाबाद पर मैंने क्लिक किया तो फिर से एक नए पेज पर पहुँच गए। अब गाइस यहाँ पर उन लोग के साथ जिन लोगों की पेंशन आती है उन लोग के नाम आ गया है। देखिए इधर उन लोग का नंबर लिखा है, सेनेक्शन नंबर, और यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम लिखा है, और यहाँ पर उस एप्लीकेंट के फादर और हस्बैंड का नेम लिखा है, यहाँ पर एप्लीकेंट का एज लिखी है, और यहाँ पर स्कीम लिखी है कि कौन सी, जैसे ये ओल्ड एज है। अब गाइस यहाँ पर एप्लीकेंट का क्या नाम है, IFSC कोड लिखा है, बैंक लिखी है, और PMFS रजिस्टर नो यस जो भी लिख कर आएगा। अब गाइस जैसे आप को चेक करना है किसी का भी, जैसे मैं कर लेता हूँ अशोक कुमार, इसके आप जैसे ये ब्लू आइकन दिख रहा है, ये संख्या दिख रही है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको इसकी पूरी डिटेल निकल आएगी। इस तरीके से आप अपने मोहल्ले की अपने ज़िले की लोगों की पेंशन देख सकते हैं कि इनकी पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए गाइस बस इतना ही।